15 साल से तो हम लगातार सुन ही रहे हैं यही समस्या कि पानी भरा रहता है, पूरी ज़मीन खाली है, कोई खेती हो नहीं पाती है और गवर्नमेंट इस तरफ कोई भी ध्यान दे नहीं रही है। शिकायतें भी हम कर चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कब सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार भी दिल्ली में बैठती है, केंद्र सरकार भी दिल्ली में बैठती है, सब के आगे हमने गुहार लगा ली, लेकिन हमारी समस्या का मैडम जी समाधान नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम डीसी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, अब तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा एजिटेशन करेंगे हम, और नहीं तो हम आगे भी जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी हम एजिटेशन करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में करेंगे। बिरसावता गांव के जो 150 एकड़ की भूमि है उनका यही जो किसान जमीन होते हुए भारत अनाज दाना खा रहे हैं। बिल्कुल आपके पास जमीन है लेकिन जमीन होते हुए भारत अनाज खरीद के खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है जी। मतलब बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। दिल्ली के हैं या हम बिहार से या राजस्थान से, कहाँ से? दिल्ली में होने के बाद ये हाल हमारा, तो राजस्थान में बिहार में क्या होता हूँ? ये हमारी जमीन है, दिल्ली का मैं किसान हूँ, ये हमारी जमीन है, इस जमीन की हालत हो रखी है। धान लगाए थे 18-20 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से खर्चा आया था एक एकड़ में, ये सारे के सारी पानी में नजर ड्रेन नहीं और फ्लो होने के कारण सारा पानी खेतों में आ जाता है, इसकी वजह से हमारी खेती खराब होगी। कुछ जमीन ऐसी है यहाँ पे 115 एकड़ के आसपास पिछले 3 साल से रिपोर्ट बनी हुई रखी उसकी कि भाई ये हमेशा पिछले 15 सालों से पानी में डूबी है, ना इसका हमारे को नुकसान मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, ना इसका हमारे का कोई समाधान हो रहा है। हाँ। तो हमारी खुद की जमीन होते होते हमें बाजार से गेहूँ पशुओं के लिए चारा खरीद के लाना पड़ रहा है, हर बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में गाँव होने की वजह से हमारी इतनी बुरी दशा, अभी तो आप आए हो तो पानी कम है, बारिश के टाइम पर आप आ जाते हैं तो 4-4 फुट पानी था इस रोड पे। ये रोड है गांव का जो गांव से खेतों की तरफ आता है, ट्रैक्टर गाड़ी से, आज तो गाड़ी से आए हम, लेकिन आप गाड़ी से आ नहीं सकते, ट्रैक्टर से आए हैं, जितने भी मीडिया वाले यहाँ आए हैं सारे के सारे ट्रैक्टर पे बिठा के लेके आए उनको। 5-5 यहाँ पे 8-7 फुट पानी था, रोड पे 4 फुट पानी था, तो इतनी बुरी दशा हो रखी है। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे रायता गाँव में लगभग 200 एकड़ जमीन लगभग 12 वर्ष से डूबी हुई है, जो रायता गाँव में भारतीय किसान यूनियन ने कई वर्षों से संघर्ष किया, नेतागण के पास भी जाने पर उसका कोई समाधान नहीं निकला। इसमें रायता गाँव ने सभी किसान भाइयों ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक मन बनाया है, रायता गाँव से हम अपने जो निजी साधन है किसानों के उस पर सवार होकर हम डीसी का घेराव करेंगे। और करीब करीब 15 साल से तो हम लगातार सुन ही रहे हैं यही समस्या कि पानी भरा रहता है, पूरी जमीन खाली है, कोई खेती हो नहीं पाती है और गवर्नमेंट इस तरफ कोई भी ध्यान दे नहीं रही है। शिकायतें भी हम कर चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कब सुनवाई होगी। सभी तो ऐसे नहीं है कि नौकरी पेशे वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी ज़मीन के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका घर कैसे चल, और कम जमीन नहीं है कि किसी एक दो घर के, ये नुकसान है 150-200 एकड़ ज़मीन है जिसमें पूरा पानी भरा ही रहता है, और वो ज़मीन कितनी ख़राब हो चुकी होगी, काफ़ी टाइम के बाद, सुधार के बाद, बहुत पैसा लगाने के बाद कोई खेती उसमें कर पाएंगे हम लोग। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन इसको देखे और इसके लिए कोई ठोस और जल्द से जल्द कदम उठाएं। तो इस समस्या से आप लोग, ये गांव कब से जूझ रहा है? ये गांव 2005-06 के बाद में 150 एकड़ जमीन है, 125 एकड़ जमीन है आसपास, वो आगे चलोगे आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें खेती नहीं होती। उससे पहले बहुत अच्छी खेती होती थी, बहुत अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, इसमें अगर जो किसान करना चाहे तो 3 खेती हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से किसान बर्बादी के कगार पे है। सीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी बोला था बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, 2 साल हो गए आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो किस तरह का आप सहयोग चाहते हैं सरकार से? सहयोग गवर्नमेंट या तो इस जमीन को अवार्ड करे, या नजर ड्रेन पे एक साइड में बांध न होने की वजह से पानी आता है वहाँ पे बांध का निर्माण कर दे, कच्चा बांध हो जाएगा, उसके साथ में जमीन, हाँ दादा एकड़ 20-25 एकड़ जमीन पड़ेगी दिल्ली के गाँव की, उसको इक्वायरमेंट करके और उस पर बांध पुल बना दे। किस किस चीज की खेती है आपकी? गेहूं, गेहूं धान और धान की। अच्छा तो ये बताइए कि जैसे पानी इतना आ गया तो अभी जो है आप उसकी समस्या तो है, इसका समाधान क्या ढूंढना चाह रहे हैं, मतलब इसका क्या एक हल हो सकता है? जो पानी रुक जाना चाहिए कहीं से, जो खेती फसल खराब ना हो। तो मैं तो अपने सभी किसान भाइयों से, भारतीय किसान यूनियन से निवेदन करूंगा, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए सभी भाई लाइन में चलेंगे, शांति से चलेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। इस सरकार को अगर रोकना है रोक सकते हैं, लेकिन किसान रुकेंगे नहीं, हम जाकर अपना विज्ञापन देंगे। जय जवान, जय किसान। तो
मैं अपने एलजी को और अपना गोपाल राय जी को, केजरीवाल जी को, सभी में बोलना चाहूंगा कि भाई जो आप लोगों ने दिल्ली में जो पंचायत खत्म कर दिया, दिल्ली पंचायती राज जो खत्म कर दिया है, तो उसको दोबारा लागू करा जाए, ताकि जो अपना गांव का जो विकास होता है, गांव के जो काम होते हैं वो गांव के लोगों के हाथ में होते हैं, गांव के प्रधान के हाथ में होते हैं, गांव का विकास प्रधान के हाथ में होता है। तो मेरी एलजी से, केजरीवाल जी से, गोपाल राय और सिसोदिया जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया करके दिल्ली में ग्राम पंचायत का दोबारा से गठन किया जाए। इस गांव के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह के लोग यहां पे रहते हैं, क्या आबादी है? आबादी यहां पे करीब करीब 4000 के आसपास है। 4000 की वोट है तो कम से कम वैसे होंगे 6000, 6500 आदमी, बच्चे भी है उसमें, लेडीज भी है, बुजुर्ग भी है सारे। और ज्यादातर लोग जो यहाँ रहते हैं किसानी है। है, खेती के ऊपर ही निर्भर है। कुछ आदमियों की गवर्नमेंट जॉब है, नहीं तो तकरीबन खेती के ऊपर निर्भर है। और अभी आप ये देखोगे तो कम से कम 400-500 एकड़ खराब है, 150 एकड़ का समाधान हो जाता तो ये जमीन खराब नहीं होती, इसका समाधान हो जाता। लेकिन उस जमीन का समाधान ना होने की वजह से पानी को रास्ता मिल गया वहां से, तो पानी पूरा गांव में, एक दिन दो दिन और बारिश हो जाती तो हो सकता था गांव भी खाली करना पड़ता। किसानों की जो ये दशा है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? भारत सरकार के पास लेटर लिखा तो बोले दिल्ली सरकार का काम है, उसके कार्य क्षेत्र में आता है, दिल्ली सरकार से बोलो ना। हमारे दिल्ली में MSP आ रही है, MSP से हमारी ये फसल खरीद रहा कोई ना, हमारे को सर्कल रेट मिल रहा है। 2008 में सर्कल रेट बढ़ा था दिल्ली का, 2020 अब 12 साल हो गए, 12 साल में दिल्ली सरकार सर्कल रेट नहीं बढ़ा पाई है, ना मंडी में कोई व्यवस्था है, ना किसानों की सुन रही है सरकार। ये ट्रेन चलिए जी हरियाणा से पंजाब से आ रही है, 8 नंबर ट्रेन बोलते हैं, जैसे डासा बांध से पानी आ रहा जी हमारा, मैन हमारा गांव के पास पड़ोस में डासा बांध है जी, वहाँ से पानी आता है इसे बरसात के समय में। वैसे लिकाड़ इसका है नहीं पानी का, हमारी साइड में पटड़ी नहीं है उसकी ट्रेन की, इधर गुड़गांव से मानेसर के नाले सभी से अंदर पड़ते हैं, इधर इधर इस यहाँ से डासा बांध से आ जाता है, यहाँ झील काफ़ी है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का के नाम से वो सलूशन नहीं कर रही कुछ भी, काफ़ी साल से भाई इसका पानी का यो बना के ना कुछ आगे सप्लाई करेगा द्वारका के लिए और दिल्ली के लिए, तो कुछ न कुछ इसका राह बताओ। अच्छा, ये जो गुड़गांव है, गुड़गांव जो है पहले बसा हुआ नहीं था एकदम, अभी पिछले 10 सालों में बसा है, तो आपको लगता है कि किसानों को नुकसान देने के बाद वो बस रहा है, मतलब किसानों का फायदा नहीं हो रहा उसके बसने से, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है वो तो काफ़ी नुकसान है जी, काफ़ी 4-5 गांव तो हरियाणा के हैं और 1-2 गांव या हमारे के, दोराड़ा भी और रावता भी, तो ये दिल्ली के पड़ते हैं, तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। राकेश से दौलताबाद मियाँ ने भी उधर ठहा था इसका पहले, तो इधर से हरियाणा सरकार और इधर से दिल्ली सरकार दोनों की बैठक बैठा के जी हमारा कुछ समाधान किया जाए। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। क्योंकि ये तो किसान जो है जो खेती पर निर्भर किसान है और उसकी जमीन पर कुछ होता नहीं, वो अपने खाने के लिए भी मोल लेकर खाता है, तो बताओ क्या होगा उस समय। आप देखिए रावते गांव की बहुत बुरी दशा है, तो हम तो मैडम इसके बारे में पूरा इलाका, मतलब जो भी किसान है सभी इसके बारे में सभी दुखी हैं और ये समस्या का हल होना चाहिए, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, किसान को गुलाम बना रहे हैं, कंपनी आएगी। मेरा ऐसा हरियाणा में एक हफ्ता ले लिया, एक हफ्ते में कितना किसान जाएगा वहाँ पे? कर दिया बंद हमने तो भाई, सरकार का हमारा कोटा था पूरा कर लिया, किसान जाएगा कहाँ? प्राइवेट कंपनी आओगे हमारे घर से इससे वाले के जाओ। अब एक लाइन लिख साल लिखवा रहे हैं MSP, भारत से बाहर ले चुको ले लो ये लिख दो, हमने कोई इतराज नहीं, लेकिन उसको नहीं लिख रहे, ये ना रोज उनका फायदा करना ही नहीं। 1.5 साल पहले चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, वो ये बोल के गए थे बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर आपको गुड न्यूज मिलेगी। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ है, कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं बोला हो जाएगा, वो कुछ नहीं हो रहा है, SDM साहब से मिल रहे हैं, DM साहब से मिल रहे, विधायक से, मतलब हमारी समस्या का समाधान नहीं। मोदी सरकार जो है वो नए बिल्स लेकर आई है किसानों के लिए, तो उस बिल से आपको लगता है कोई फायदा होगा? नहीं नहीं, उससे क्या फायदा होना है, किसान और मरेंगे, जो और ज्यादा मरेंगे, बिजनेसमैनों के कब्जे में आ जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि वो MSP तो मिलेगा, ये गलत फहमी है लोगों की। MSP 1 साल 2 साल 3 साल देंगे, उसके बाद MSP खत्म हो जाएगी। अब कौन सा MSP खरीद हो रही दिल्ली में, अब बेचने जाओ 1 महीना आएंगे, दिल्ली में तो आते नहीं 4 साल से, पिछले 4 साल से MSP जो खरीद ही नहीं हो रही, खरीद भी होगी 1 महीना आएंगे, 1 महीने बाद चले जाएंगे। बाजरे की MSP 1900 कुछ रुपए है, 1100 रुपए बिक रहा है, तो कहाँ समाधान होगा? कुछ नहीं होना मैडम जी, ऐसे किसानों का बेवकूफ बना रहे हैं,
अंदर ही बैठ के अपना पॉलिसी बना देते हैं किसान के हित में, किसान के हित में मौके पा के देखो ना किसान के हित में कहा है ये। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।